बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम हमारे व्याकरण भाग से समास प्रकरण को समझते हैं। समास प्रकरण भी व्याकरण में शब्द निर्माण की प्रक्रिया का एक पार्ट है, भाग है। बच्चों समास क्या है? जैसा कि विभिन्न प्रकार की व्याकरण किताबों के अंदर अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन उन सबका सार एक ही निकलता है। वहां परिभाषाओं में कहा गया है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें दो या दो से अधिक शब्द है तो दो शब्द तो होते ही होते हैं, ठीक है। शब्द ध्यान दीजिएगा, वर्ण नहीं। यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो शब्द होते हैं। और यदि मैं इसको और भी सरल भाषा में कहूं तो दो शब्दों का परस्पर मिलन, दो शब्दों का आपस में मिलना, दो शब्दों का पास पास बैठना, दो शब्दों का पास पास बैठना, दो शब्दों का परस्पर मिलन, दो शब्दों का आपस में मिलना समास होता है। और इसको बिल्कुल और सरल शब्दों में कहूं कि दो शब्द जब हो पास पास तब हो समास, जब दो शब्द हो पास पास तब हो समास। तो ये एक बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिएगा बच्चों कि समास में क्या होता है, समास में शब्दों की संक्षिप्तता होती है, यानी दो शब्दों के बीच में जब हम मेल कर देते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है, इसके पीछे जो बात छिपी हुई है वो क्या है कि जब इनका मेल होगा तो यहां पर जो शब्दों की अधिकता होगी, जो शब्दों की अधिकता मतलब अधिक शब्द जो बीच में होंगे, या कारक चिन्ह, या कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है, यानी वे कारक चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी समास किया जाए तो इस समास में जो शब्दों की अधिकता और कारक चिन्हों का जो लोप किया जाता है तब भी इसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, इसका अर्थ यथावत वही रहना चाहिए, तभी समास की सार्थकता होती है, ठीक। अब देखिएगा बच्चों कि इसका मतलब यह हुआ कि समास में दो पद तो है ही, दो पद से अधिक भी हो सकते हैं, तो ये दो पद जो होते हैं उन दो पदों को भी नाम दिया गया है समास में। कई बार जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है और ये चीज बोल रहा होता है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि सर ये क्या बोल रहे हैं, अध्यापक के द्वारा ये क्या बोला जा रहा है, तो वो जो दो पद होते हैं उन दो पदों का नाम होता है। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। मतलब पहला जो शब्द लिखा गया है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं और बाद में जो शब्द लिखा जाता है उसे हम उत्तर पद बोलते हैं। और इन दो पदों को मिलाकर, इन दो पदों को मिलाकर जो बनता है उसे हम कहते हैं समस्त पद, समस्त पद। यही समस्त पद दूसरे तरीके से हम उसे कहते हैं समास। इसे ही हम कह सकते हैं सामासिक पद, इसे ही हम कहते हैं सामासिक पद। दो पदों को पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर बनता है समस्त पद, उसी समस्त पद को हम समास कहते हैं, उसी समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखिएगा, वापस में एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। परिभाषा अलग अलग प्रकार से किताब में किसी भी तरीके अर्थ एक ही है कि दो पद होते हैं
उसमें पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद, और जब इनके बीच का अर्थ जब लोप किया जाए, इनके बीच के कारक चिन्हों को जब लोप कर दिया जाए तो वह मिलकर दोनों समस्त पद बन जाते हैं, दोनों पद मिलकर समस्त पद बन जाते हैं। यह हुई समस्त पद की बात, समास की बात। अब यह तो हुआ इन दोनों पदों को मिलाना। जब जब ये जो समस्त पद है ये जो समस्त पद बना, जब परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इस समस्त पद का क्या कीजिए, समास विग्रह या सामासिक विग्रह, विग्रह लिखा हुआ है तो भी वही बात होती है, यह करना हो तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें यह करने के लिए वो दोनों पद वापस लेकर आने हैं, यानी पूर्व पद आएगा, उत्तर पद आएगा, परंतु उस समास विग्रह या सामासिक विग्रह में जो यह अधिक शब्द या कारक चिन्ह जिनका लोप हो जाता है वे कारक चिन्ह भी वापिस आएंगे, तभी समास विग्रह होगा। यहां पर भी वही बात ध्यान में रखनी योग्य बात है कि जिस प्रकार जब हम समास बनाते हैं और जब इन अधिक शब्दों कारक चिन्हों का लोप करते हैं तो भी अर्थ वही बना रहना चाहिए जो सार्थक हो। समास विग्रह करते समय भी जब पूर्व पद और उत्तर पद को वापस लेकर आते हैं किसके साथ, अधिक शब्दों के साथ और कारक चिन्हों के साथ जो उसके साथ में लगते हैं, तब भी उसका अर्थ वही होना चाहिए जो समस्त पद का या सामासिक पद का था, उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात यहां पे विशेष तौर पर ध्यान रखना कि जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं इन दोनों पदों का अर्थ भिन्न होता है, इन दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमें तीसरा अर्थ देते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा यहां पर कि इन दोनों का अर्थ एक नहीं होता, लेकिन इन दोनों को जब मेल हो जाए तो इनकी भावना, इनका जो अर्थ है वह एक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह था समास में समस्त पद होना, समासिक पद होना या क्या नाम बोलते उसको समास होना। फिर जब हम इसको अलग अलग करते हैं उस अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समासिक विग्रह या समास विग्रह या विग्रह हम कहते हैं। उसमें पूर्व पद और उत्तर पद को जब लेकर आते हैं तो अधिक शब्द और कारक चिन्हों का हम यथासंभव उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कि हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि समास और संधि में अंतर का प्रॉब्लम जो हमारे साथ में होता है। यहां जो हम समास पढ़ेंगे तो वहां संधि भी आएगी, लेकिन जो अंतर होता है वो मैं बताता हूं कि समास और संधि में जो अंतर आता है, समास में होता है तो शब्द या पद का मेल, यानी इधर भी शब्द और इधर भी शब्द, परंतु संधि में दो वर्णों के मेल को, यहां पे वर्ण और यहां पे वर्ण, इन वर्णों का जो मेल होता है और इन दो वर्णों से एक नया वर्ण जो बनता है वह संधि कहलाती है। जैसे बच्चों देखिएगा, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं। जैसे लंबा और उदर, देखिए बच्चों ये एक संधि पद भी है, यहां पे आ वर्ण है, यहां पे ऊ वर्ण है, दोनों वर्णों का मेल होकर ओ बनता है, तो इति क्या हो जाता है, लंबोदर। ठीक है, ये तो हुआ संधि लंबोदर, ये तो हुआ संधि पद। परंतु जब यह पद ऐसे लिखा जाए, लंबा है जिसका उदर, बच्चों जब यह ऐसी स्थिति में जब लिखा जाए तो उसे हम कहेंगे सामासिक विग्रह, समास विग्रह या विग्रह, और यह कहलाएगा समास का, समासों का भाग,
ये समास का भाग कहलाएगा। तो बच्चों इस तरीके से समास में और संधि में जो अंतर होता है या समास क्या होता है उसे हम समझते हैं। बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं, आगे की कक्षा में समास के जो भेद हैं उन्हें हम भली भांति समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे हम फिर मिलते हैं।